क्या ईश्वर का साकार रूप भी है और क्या उसका साक्षात्कार संभव है जैसा आपके समक्ष बनारस में हुआ? इसमें जो है ना, एक बहुत अच्छी बात है, इस पर तो विचार होना चाहिए, क्योंकि साकार निराकार की बहुत बड़ी भारी चर्चाएं हुई है। ये जो है ना, ये सम्मान नहीं, तर्क भी है जी। और विचार भी है, सम्मान करने योग्य तर्क भी है, इसके लिए समाधान है, वो भी उतने ही सम्मान करने योग्य है जी। ऐसा मेरा प्रस्ताव। उसमें हम ये बताना चाहते हैं, अस्तित्व को यदि समझना है, इसमें साकार निराकार अलग अलग होता है। हमारा जो पुराण संकट, साकार अलग है, निराकार अलग है। हमारा अभी तक की जो पुराण संकट पूर्वजों ने हमको दिया है, ये साकार एक अलग चीज है, निराकार एक अलग चीज है। उसको हमने कैसा देखा है, साकार निराकार सदा सदा एक साथ रहते हैं। क्या भगवान जी क्षमा के साथ, ठीक है। यदि ये अच्छी तरह से समझ में आता है, इसमें हम 99% समस्या का समाधान है। 99% समस्या का समाधान है। यदि ये समझ में आ जाती है, साकार निराकार अलग अलग जिंदगी नहीं है। इसको मैंने वचन में क्या लिखा है, लिखा है सहअस्तित्व अपने में नित्य वर्तमान है। मैंने साकार वस्तु के बिना निराकार का ज्ञान, निराकार के बिना साकार वस्तु में ऊर्जा संपन्नता का स्रोत नहीं है, इतना लिखा है। क्या लिखा है, क्या बात बताओ सही। तो लिखा है कि भाई साकार वस्तु के बिना निराकार वस्तु का पहचान नहीं है जी। और निराकार वस्तु के बिना साकार वस्तु में ऊर्जा संपन्नता का स्रोत नहीं है, ये लिखा है। इससे ज्यादा क्या अक्षर में लिखा भी जा सकता है, लिखना चाहिए, आप सोचो। इतना बढ़िया लिखा है बाबा, हे प्रभु जी। इससे अच्छा, कोई अच्छा आदमी के लिए इससे अच्छा लिखा नहीं जा सकता। इतना बढ़िया लिखा है, इस सूत्र को पचाने की जरूरत। इसका मतलब क्या हुआ, निराकार साकार साथ में रहने के आधार पर ही निराकार को भी हम पहचानते हैं, साकार को भी पहचानते हैं। यदि एक साथ ना हो, दोनों पहचानना बनता नहीं, उसका गवाही क्या है, साकार को पहचाने गए विज्ञानी, पहचाना नहीं, निराकार को पहचानने गए ज्ञानी, वो पहचाना नहीं, ये गवाहित हो चुके। यदि सिर कूटना हो तो बात ठीक है, कूट लें, चूर कर लें, ये दोनों का गवाही हो चुकी है अस्तित्व में 700 करोड़ आदमी के सामने। बिल्कुल आपको इसमें यार पिछले की यदि ध्यान देंगे, वर्तमान से पिछले की ध्यान देंगे, ये दोनों गवाहित हो चुकी। विज्ञानी साकार को लेकर के सत्य को खोजना शुरू किया और निराकार को लेकर के ज्ञानी सत्य को खोजना शुरू किया। दोनों खोजते ही रह गए, सबका खोपड़ी चूर हुआ, खाद हो गया। सत्य का अता पता नहीं हुआ। आज तक किसी विज्ञानी ये सत्य है कहने योग्य नहीं है, ठीक है ना। कोई भी ज्ञानी ये सत्य है कहने योग्य, प्रमाणित करने योग्य एक भी ज्ञानी इस धरती पर नहीं है, इस धरती पर तो नहीं है। ये मेरे जिम्मेवारी से कह रहा हूं, ये आपके जिम्मेवारी से नहीं है, ये मेरे जिम्मेवारी है, ठीक है जी। इसको हम अच्छी तरह से जांच चुका, हमारे ज्ञान के परत पर पूरा का पूरा गुजर चुका है धरती की मानव। कोई भी मानव
घटिया अच्छे से अच्छा बचा नहीं, मेरे चित्रमाला में आया नहीं है ऐसा कोई घटिया आदमी नहीं, अच्छा आदमी भी नहीं, बचा नहीं, सबको हम देख चुके। समाधि संयम का यदि त्राण प्राण है वो यही है। क्या सुना जी, है ना, ये उसमें उससे ये ताकत बढ़ी, ऐसा हम प्रस्तुत होने के लिए ताकत बढ़ी, आवाज का ताकत बढ़ी, अब प्रस्ताव का ताकत भी बढ़ी जी। प्रस्ताव को हम विकल्प के रूप में रख सकते हैं, ये ताकत बढ़ा। ठीक है, आज के स्थिति में कोई विकल्प प्रस्तुत कर दिया जाए ये कितना काउटिक सिचुएशन है आप लोग सोच ही सकते हैं, इतना आसान तो नहीं है। नहीं तो महत्पुण्य का ही प्रताप होगा ऐसा मैं सोचता हूँ। वो महत्पुण्य जो है ना किसी का आशीर्वाद ही है, उसको हम माना हो रिकॉर्ड किया हो, मानव पुण्य के आधार पर यह घटित हुई जी। मानव का जरूरत रहा इसीलिए घटित, मानव पुण्य वहां तक विकसित हो चुकी है इसीलिए घटित हुई ऐसा मैं कह रहा। ठीक है ना जी, ठीक है ना। इससे क्या हुआ, निष्कर्ष क्या निकला, तो इसमें अभी हमको साधना वो अनिश्चित गम्य स्थली की साधना करके इसको हम प्रमाणित करेंगे ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, उसके लिए हम कोई उपदेश दे नहीं पाएंगे। हम ये निश्चित ठोक बजाव विधि से कहूँगा, यदि ये पूरा का पूरा सच्चाई को हम शब्द के रूप में प्रस्तुत किया हो किताबों में, आपके लिए सूचना है, वो सूचना के आधार पर आप में सती के प्रति जिज्ञासा होता है, हम आपको अध्ययन कराएंगे, अध्ययन से आपको सत्य को बोध कराएंगे, बोध कराने के बाद आप में स्वयं उसको प्रमाणित करने की तीव्र संकल्प होगी, फलस्वरूप अनुभव मूलक विधि से प्रमाणित होगी। इसको हम देखा हो, ये सभी मनुष्य के साथ रखी हुई एक सुविधा है, कितना बढ़िया है। एक आदमी के साथ नहीं है, एक मूर्ख के साथ भी वैसे ही है, ज्ञानी के साथ भी वैसे ही है, विज्ञानी के साथ भी वैसे ही है। इससे क्या पता चला, विज्ञानी को भी उतना ही ध्यान देना पड़ेगा, हम विज्ञानी हो गए हमको कम ध्यान देने से हो जाएगा, ऐसा झूठ है ये होने वाला नहीं है, बल्कि और भी ज़्यादा ध्यान दे करके ज़्यादा कन्फ्यूजन आदमी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, कन कन्फ्यूजन वाला आदमी कम ध्यान देने पर भी चलेगा। अभी ज्यादा पढ़ा ज्यादा कन्फ्यूजन, ये IIT में प्रमाणित हो चुकी है, नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ तुम्हारा क्या कहना है, थोड़ा सा जोर से बोलो, यहाँ रिकॉर्ड हो। मैंने नहीं देखा जो प्रक्रिया आपकी घटी, आपने कुछ लोगों के सामने बात प्रस्तुत की, उनको नहीं बची, ये कह रहे हैं IIT को अपन ज्यादा ज्यादा पढ़ा हुआ मानते हैं कि नहीं, तरह की पढ़ाई तो ज्यादा की है। हाँ, और वहाँ ज्यादा ज्यादा कन्फ्यूजन है कि नहीं, कोई निश्चय लेने में असमर्थता ज्यादा है कि नहीं है, सभी जगह दिखती है मुझे तो, सभी जगह दिखती है। क्या लिखा, सभी जगह इस तरह की असमर्थता, ठीक है ना भाई, सभी जगह है, वहाँ तो कम होना चाहिए ना, वो नहीं हुआ ना, सभी जगह से जैसा ही हो गया, ठीक है, फिर बाद में वो संसार के ताजमहल कैसे बन गए, ये हम आपको कहना चाहते हैं। ठीक है, ज्यादा पढ़ा ज्यादा कन्फ्यूजन, ज्यादा मानसिक रूप में टुकड़ा बना रहता है, ज्यादा पढ़ा ज्यादा टुकड़ा बना रहता है, कम पढ़ा कम टुकड़ा बना रहता है। बाबा वो प्रश्न रह गया वैसे बाबा, जो था कि आपको जो शिव का साक्षात्कार हुआ था ऐसा उस फिल्म में कहा गया है, वो क्या घटना, क्या कहा था, वो कहाँ से कहाँ कहाँ पहुंचा, प्रश्न वहीं से शुरू हुआ था। क्या प्रश्न, बता दे, साकार निराकार साथ साथ रहते हैं करके। नहीं, पहली वाली फिल्म में एक बात लिखी है कि आपको भगवान शिव का साक्षात्कार, बता तो देना, साकार है ना, है कोई साक्षात्कार हुआ होगा, दोनों साथ साथ है। किसी बात को आप साक्षात्कार करोगे कहोगे वो सब प्रकृति है, प्रकृति का आकार बनाना हमारा
मानसिक कला है, वो कला हमारा मन में बनता ही और बिगड़ता भी है, तो हमको थोड़ा देर तक ज्यादा रह गया इसीलिए साक्षात्कार माना, इसमें किसको क्या तकलीफ है। तो ये कल्पनाशीलता ही हुई क्या बाबा? उसको आप कैसे भी आपका इच्छानुसार नाम दे दीजिए, मनाकार स्थिर होने से हम साक्षात्कार मानते हैं, मनाकार स्थिर ना होने से हम साक्षात्कार नहीं मानते हैं। बात इतनी। बाबा विकल्प एक परिचयात्मक